पंजाब पल्स के मंच से राजेंद्र बंसल अबोर की तरफ से सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, अभिवादन। मित्रों, आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालयों में सीनेट की भूमिका, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र जी मेहता। आप डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य रहे, इस बार भी सीनेट का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर जगदीश मेहता जी का अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए, तो इनसे सीधे सीधे अपने प्रश्न पे आता हूँ। डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालयों में सीनेट के उद्देश्य वे कार्य क्या क्या हैं, विस्तार से कहिए, ताकि मैं ये बात सीनेट क्या है आम जन तक पहुंचा सकूं। आप विस्तार पूर्वक इस पर कहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पंजाब प्लस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त किया और आपके समक्ष और आपके द्वारा जनता से, मेरे सहयोगी दोस्तों से, टीचर्स के साथ और समाज के अन्य लोगों के साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक अपने बात की सेनेट के उद्देश्य की, तो सेनेट के उद्देश्य से पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिक यूनिवर्सिटी है, ऐसा एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो पूरे इंडिया में, जहाँ पर सेनेट का जो स्ट्रक्चर है, सेनेट का मतलब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सेनेट एक गवर्निंग बॉडी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए सारे कॉलेजेस की, सारे महाविद्यालयों की, ये जो सारे कॉलेजेस हैं, ये डिग्री कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, एजुकेशनल कॉलेजेस भी हैं, और आर्किटेक्चर या टेक्निकल कॉलेजेस भी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सेनेट है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो गवर्निंग बॉडी है, वो एक यूनिक तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर्ड है जिसमें यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी शाखाएं हैं, उन सारी शाखाओं को, उन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट है, वो उसके 91 सदस्य हैं इसके, और इस 91 सदस्यों में 36 सदस्य, 36 मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और इस नॉमिनेशन में भी पूरे देश के अपनी अपनी तरह के बहुत ही एक्सपर्ट, वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, शिक्षाविद भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड के भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के भी हो सकते हैं, बड़े अच्छे लोग, एक्सपर्ट जो हैं वो नॉमिनेट होके आते हैं, जो कि 36 लोग हैं, 36 मेंबर्स ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट। अब 45 सदस्य हैं, 45 जो सदस्य हैं पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट के, वो इलेक्टेड होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सारी शाखाओं को, पूरी समाज को, या यूं कहें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे स्टेक होल्डर्स को यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है इस पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट की स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो 45 जो पर्सन हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, और ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी खुद कैंपस है, तो कैंपस से प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहां से रिप्रेजेंट होके आते हैं, ताकि वो यूनिवर्सिटी की जो कार्यशाली है, यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनकी आवाज को उठा सके, वो यूनिवर्सिटी से इलेक्ट होते हैं। इसी तरह से कॉलेजेस, जैसे दो कैटेगरीज के कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं। डिग्री में साइंस और आर्ट्स, कॉमर्स कॉलेजेस आते हैं, टेक्निकल में मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। टेक्निकल कॉलेजेस से भी 3 टीचर्स की तरफ से और 3 प्रिंसिपल्स की तरफ से जो है इलेक्ट होके आते हैं, ताकि टेक्निकल कॉलेजेस के जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनी आवाज
रखने का पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट में गवर्निंग बॉडी में मौका मिले। इसी तरह डिग्री कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में मैं बिलोंग करता हूँ, मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 10 में मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, तो डिग्री कॉलेजेस से भी 8 टीचिंग कम्युनिटी से टीचर्स, डिफरेंट कॉलेजेस से, और 8 ही प्रिंसिपल्स जो डिग्री कॉलेजेस के हैं वहां से भी चुने जाते हैं, और वो अपने डिग्री कॉलेज की जो प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स की प्रॉब्लम्स हैं, या उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या प्रिंसिपल्स की जो इश्यूज हैं, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसी तरह से बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी मैं समझता हूँ कि सेनेट की एक अलग कंस्टिट्यूएंसी है जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी, जिसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एल्यूमनी है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी की शान होती है। दुनिया की ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एल्यूमनीज के द्वारा चलाई जाती हैं, इंक्लूडिंग हार्वर्ड जो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भी उस यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी चलाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम है गवर्नेंस का, कि सेनेट में 15 लोग जो है वो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, जिसका मतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो भी ओल्ड ग्रेजुएट्स हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या पीएचडीज हैं, या कोई भी और हायर डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ली हुई है, वो कंटेस्ट कर सकते हैं और अपने अल्मा मैटर को, पंजाब यूनिवर्सिटी को और अपने कॉलेजेस को, वो अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट है वो 91 मेंबर्स बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के रेगुलर एक्टिविटीज, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी गवर्नेंस को, उसके एजुकेशन के सिस्टम को, और अपॉइंटमेंट्स की अप्रूवल को, अपॉइंटमेंट अच्छी हो रही है या कैसे हो रही है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को, इन सब के ऊपर जो एक जो मद्देनजर रख के उसके ऊपर ध्यान रखती है, और टाइम टू टाइम अगर एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस चांसलर पॉइंट ऑफ से या गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ से कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं या कुछ ट्रांसपेरेंसी में कमी नजर आती है, उसमें टाइम टू टाइम हम ये 91 मेंबर्स मिलके अपने अपने तरीके से अपनी अपनी आवाज उठाते हैं, ताकि हम अपने अपने जिस कंस्टिट्यूएंसी से हम आए हैं उन सारी कंस्टिट्यूएंसी का ध्यान रख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा हमने सेनेट ने पास किया हुआ है कि 2 लोगों की रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं थी सेनेट में, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रेजेंट स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट की तो है जिसको मैं एल्यूमनी कह रहा हूँ या रजिस्टर्ड ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी कह रहा हूँ, लेकिन जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो उसको सेनेट ने एक्स ऑफिशियो मेंबर के तहत स्पेशल इनवाइटी के पॉइंट ऑफ से, हम प्रेजिडेंट होता है जो स्टूडेंट काउंसिल का, उसको अलाउ करते हैं कि वो भी सेनेट का सदस्य के रूप में आकर के बैठ सकता है। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग, उसकी भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट में, तो सेनेट ने ये पास करके नॉन टीचिंग के जो प्रेसिडेंट होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के, नॉन टीचिंग के जो प्रेसिडेंट हैं, उसको भी हम मौका देते हैं कि वो भी सेनेट में आके अपनी आवाज उठा सकते हैं, वो भी इसके एक मेंबर बन गए हैं, बट वो अनऑफिशियल मेंबर हैं दोनों। तो इसलिए ये सेनेट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को अपनी गवर्निंग बॉडी में आवाज रखने का मौका दिया है, क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में सिस्टम जो है वो नॉमिनेटेड का सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम नहीं है। तो ये मैं इसको समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत सिस्टम है और ये सिस्टम आगे भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ थोड़ी बहुत हमें कमियां नजर आती हैं उसको थोड़ा बहुत हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बट एज ए स्ट्रक्चर ये एक बड़ा स्ट्रक्चर मैं मानता हूँ कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है। हाँ जी बंसल साहब, डॉक्टर साहब आपने सीनेट का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर बड़े विस्तार से समझाया, बताया कि क्या क्या कार्य हैं। जो मेरे समझ आता है भी आपके सीनेट के सदस्य के रूप में जो शिक्षक वर्ग है उसके हकों की रक्षा करना, नॉन टीचिंग स्टाफ की समस्याओं का एडजस्ट करना, और शिक्षा क्षेत्र के जो पंजाब में इस विश्वविद्यालय के पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी हैं कॉलेज, उनकी समस्याओं को एड्रेस करना है। तो अब तक आपके अनुभव में पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट के, पंजाब विश्वविद्यालय के
और पंजाब सरकार के शिक्षा नीति के खट्टे मीठे अनुभव क्या क्या हैं, वो भी मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा। हाँ जी, धन्यवाद जी। आपने शिक्षक की बात करी, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट का जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ वो कॉलेज टीचर कंस्टिट्यूएंसी से कर रहा हूँ। मैं टीचर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा और टीचर्स की आवाज उठाऊंगा। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेट का जो सिस्टम है वो एक बड़ा यूनिक सिस्टम है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूशन है जिसको हम पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर कहते हैं, जिसके तीन वॉल्यूम है। ये जो तीन वॉल्यूम है पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर के, जैसे हमारे इंडिया का कंस्टिट्यूशन है, उसी तरह से हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी का ये एक कंस्टिट्यूशन है। तो इस पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर में, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूशन में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया हुआ है जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को या कॉलेजेस के टीचर के राइट्स को, उनके वेलफेयर को, उनकी सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ तो हैं, सेक्शन भी हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कैलेंडर में है, लेकिन फिर भी शिक्षकों की, हमारे कॉलेजेस के टीचर्स की, पार्टिकुलरली पंजाब में इतनी अधिक समस्याएं हैं कि उसका बयान अगर करना शुरू करें तो हम घंटे बीत सकते हैं। वो क्यों है मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। कैलेंडर नो डाउट टीचर्स के कंडीशंस को, टीचर्स की वर्किंग कंडीशन को, टीचर्स की सैलरी को, प्रमोशन को सब प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो टीचर्स कॉलेजेस में है, कॉलेजेस की जो गवर्निंग बॉडी है, यह है यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी, जो कॉलेजेस की गवर्निंग बॉडी है यानी कि कॉलेज मैनेजमेंट्स, और ये जो कॉलेज मैनेजमेंट्स हैं वो है प्राइवेट कॉलेजेस की। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस पंजाब में दो तरह के हैं। एडेड कॉलेजेस हैं जिनको 95% ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट से मिलती है, और प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस भी हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी हालांकि अपने कैलेंडर के हिसाब से यूनिवर्सिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, बट जो ये मैनेजमेंट्स हैं और गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हमारे सारे कॉलेजेस की जो प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो मैनेजमेंट से शुरू होती है या सरकार से शुरू होती है। वो कैसे? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता हूं। पंजाब सरकार के डिसीजन के ऊपर और पंजाब सरकार के विजन के ऊपर मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो हमेशा वो अपने प्रचार में कहते हैं कि एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन पंजाब सरकार के संदर्भ में मैं ये बात करना चाहूंगा कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, पंजाब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे पिछले 25 साल से पंजाब सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की। 25 सालों से मैं कह रहा हूं कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गवर्नमेंट। दो तीन कॉलेजेस का जो एक्सपोजर, जहां मैंने रिसेंटली विजिट किया, उसकी मैं पार्टिकुलरली बात यहां जिक्र करना चाहूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना है, जो एक कभी पंजाब के कॉलेजेस की शान हुआ करता था, कभी 130 टीचर्स थे वहां पर, वहां आज 25 टीचर्स रह गए हैं क्योंकि उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। गवर्नमेंट कॉलेज मुक्सर है, जहां पर कभी 60 से 70 टीचर्स हुआ करते थे, आज विदाउट एनी टीचर वो कॉलेज चल रहे हैं, एक भी टीचर उस कॉलेज में नहीं है। और हैरानी की बात है कि जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वहां टीचर्स लुप्त होते जा रहे हैं, कॉलेजेस खाली होते जा रहे हैं, बिना टीचर के कॉलेज चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले ही ध्यान नहीं दिया जो पुराने कॉलेजेस थे, तो उनकी सारी बिल्डिंग एक डंपिंग ग्राउंड होती जा रही है पंजाब के कॉलेजेस। और जो मैं हैरानी की बात कह रहा था, नए कॉलेजेस बिना टीचर के, बिना बिल्डिंग के, पीछे कम से कम मैंने सुना है कि 15-20 गवर्नमेंट कॉलेजेस नए खोल दिए गए रूरल एरिया में या कहीं और। हालांकि मैं कॉलेजेस का खोलना वेलकम स्टेप मानता हूं, लेकिन वेलकम स्टेप तो तब होगा ना जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स हो। जो नए कॉलेजेस खोले हैं, अभी मलोड के पास एक किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर बोर्ड पे लगा दिया गवर्नमेंट कॉलेज की फलाने सिटी का नाम है, प्राइवेट स्कूल के बाहर, जबकि अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज की कोई भी बिल्डिंग बनी नहीं है।
वहां पर एक कमरा तक नहीं बना है, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया है। अब आप देखिए कि प्रायोरिटी पंजाब सरकार की कहां पर है। पहली बात, ना तो वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक डिमांड के ऊपर अगर नए कॉलेजेस खोले, सिर्फ खोले, लेकिन उसका ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पर कोई टीचर है, ना ही कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो अब कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब सरकार हायर एजुकेशन के लिए कोई काम करे। और इसी से जुड़ा मुद्दा है, अगर अब पंजाब सरकार एक और भी इसमें है, इवन जहां तक प्रमोशन की बात करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनकी प्रमोशन की बात करें, तो पंजाब सरकार ने नंबर ऑफ हर्डल्स उनकी प्रमोशन में क्रिएट करी, कभी एपीआई को लेकर, कभी स्टेट के पास फाइनेंसिस नहीं है उसको लेकर, तो कभी डिपार्टमेंट की जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं उसके पॉइंट ऑफ से टीचर्स की जो प्रमोशन है, ऑलरेडी थोड़े बहुत टीचर बचे हैं कॉलेजेस में, उनकी प्रमोशन भी पंजाब सरकार प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रही। जो प्राइवेट मैनेजमेंट जो कॉलेजेस हैं वो कैसे ढंग से चलेंगे, तो प्राइवेट कॉलेजेस मैनेजमेंट पंजाब सरकार के कारगुजारियों को देखते हुए वो भी एक टीचर्स की हाईएस्ट लेवल पर एक्सप्लोटेशन करते हैं। पहली बात, इसमें दो तरह के टीचर्स हैं जो मैं बता रहा था, एडेड कॉलेजेस हैं जिसमें एड जो है वो सरकार से आती है, और अनएडेड कॉलेज। जिन टीचर्स की और जिन कॉलेजेस की एड सरकार से आती है, पहले तो बहुत सालों से पंजाब सरकार की वो एड भी बंद थी, फिर हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस किया कि सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, एजुकेशन का बहुत ही एक सत्यानाश हो रहा है जो कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो कोर्ट के ऑर्डर पर पंजाब सरकार ने कुछ अलो किया कि जी प्राइवेट जो एडेड कॉलेजेस हैं उसमें चलो भर्ती की जा सकती। अब मैं उसका आपको नया एक बता रहा हूँ कि पंजाब सरकार की कार्यगुजारी क्या है। उसमें पंजाब सरकार ने भर्ती तो अलाउ कर दी, लेकिन अगेन एक बड़ी हैरानी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उनको 3 साल के लिए सैलरी के नाम पर एक पीएन के बराबर की सैलरी दे रहे हैं, जो बेसिक पे होती है 15,600 प्लस 6,000 ग्रेड पे 21,600 रखा हुआ है। कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी एक मान सम्मान मर्यादा समाज में बहुत अच्छी होती है, और जिसकी अगर रेगुलर यूजीसी के हिसाब से लगाएं तो सैलरी बनती है 60-70,000। पुराने स्केल्स की बात कर रहा था जब अभी पंजाब में 5वां पे कमीशन था, अभी 6वां हम वेट कर रहे हैं। तो जो 60-70,000 पे सैलरी होनी चाहिए थी उसको सैलरी मिल रही है 21,000 पे, वो भी 3 साल के, और उसको नाम दिया गया कॉन्ट्रैक्ट का रेगुलर अपॉइंटमेंट, जबकि है लेकिन कॉलेजेस की मैनेजमेंट उसको रेगुलर अपॉइंटमेंट ना मान के उनको, अगर उनकी सीनियरिटी लिस्ट भी बनाई जाती है, उनकी सीनियरिटी लिस्ट एक रेगुलर जो पुराने टीचर थे उनके अलग बनाई जाती है, उनको एक बड़ी ही अनडिग्निफाइड वे से ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका सैलरी पूरा नहीं है। जो पंजाब सरकार से एड आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, जो मैनेजमेंट्स हैं और जो वहां के ऑलरेडी टीचर्स थे उनकी तरफ से भी एक उनको अनडिग्निफाइड वे से देखा जाता है, क्योंकि उनको नाम दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं, जबकि वो टीचर रेगुलर हैं। फाइनेंस के रूप में उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 साल तक उनको 21,600 देंगे, बाद में हम 3 साल के बाद पूरा कर देंगे। इसी में बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही पंजाब सरकार की तरफ से। एक तो एडेड कॉलेजेस में 21,600 के ऊपर रखे गए 3 साल के लिए, जबकि 60-70,000 पे वो सैलरी होनी चाहिए थी, तो कितना एक्सप्लोइटेशन कर रही है सरकार और मैनेजमेंट आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बावजूद एक नया पैटर्न निकाला पंजाब सरकार ने, जो कि हमारे सर्विस रूल्स में बहुत पहले पास हुआ हुआ है कि 95% जो एड है वो गवर्नमेंट देगी। अब नया सर्कुलर निकाला पंजाब सरकार ने अभी कुछ महीने साल पहले, कि हम 95 की बजाय पंजाब गवर्नमेंट 75% जो है एड देगी, 25% जो मैनेजमेंट डाले। अब मैनेजमेंट ऑलरेडी 5% अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही थी, या वो कह रहे हैं कि टीचर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, तो 25% मैनेजमेंट कहां से देंगे। और उधर से
प्रॉब्लम्स की बात करें तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेने के लिए वो पंजाब में पार्टिकुलर रिड्यूस होते जा रहे हैं। वो बड़े वेल नोन कारण है कि बच्चों को कि पंजाब एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं हो पा रही है, उनको यहाँ पर एजुकेशन के फायदे के रूप में एम्प्लॉयमेंट के रूप में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भाग रहे हैं कि वहां जाके हम कुछ भी लेबर कर रहे हैं, कम से कम रोजी रोटी तो कमा सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद कॉलेजेस में कम होनी शुरू हो गई है। इधर से गवर्नमेंट 95% की बजाय 75% कर रही है ग्रांट। तो आप देखिए कि टीचर्स जो हैं एमए करके पीएचडी करके यूजीसी का नेशनल लेवल का नेट क्वालिफाई करके कहाँ जाए, और उनकी इवन रोजी रोटी भी आज पंजाब में खतरे पे है। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं कर रही, और गवर्नमेंट के जो एड के पॉइंट से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ा रही हैं, उनको पूरा स्केल भी नहीं दे रहे, और जो सैलरी दे रहे हैं उसका भी जो 95% राइट बनता था उसमें भी पंजाब सरकार 75% करने की कोशिश कर रही है। इसलिए अभी तक बहुत से टीचर्स, बहुत से कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो अभी वंचित रह गए हैं। 3 साल पूरे होने के बावजूद भी वो आज अपना पूरा स्केल लेने से वंचित हैं, क्योंकि सरकार अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही और मैनेजमेंट के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है कि वो 75। बहुत बड़ी समस्या चल रही। तो अब मैं आना चाहता हूं अनएडेड टीचर्स। तो इसमें था कि एडेड टीचर की, पहले मैंने बात की गवर्नमेंट कॉलेजेस की, फिर मैंने बात की एडेड टीचर्स की, अब मैं बात कर रहा हूं अनएडेड टीचर्स की। अनएडेड कॉलेजेस और अनएडेड टीचर्स वो हैं जिनको सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत, यानी कि अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट से या डिफरेंट फंड से पैसे कमा रही है, उसी कमाने के बेस के ऊपर ही टीचर्स की जो वो सैलरीज देंगे, या नॉन टीचर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना उसी के बेस पर करना है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही, जो एडेड कॉलेजेस एडेड मैनेजमेंट है वो ध्यान नहीं दे रहे, तो अनएडेड कॉलेजेस जो मैनेजमेंट है उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याएं तो और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अनएडेड कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको 21600 तो दूर, मुझे रादर ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि हमारे टीचर अनएडेड कॉलेजेस में इवन 15000 से भी कम सैलरीज पे काम करने को मजबूर हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कहीं जॉब नहीं मिलती तो बेचारे क्या करें। मैनेजमेंट में की जो एक्सप्लोटेशन है उसकी वजह से, और तीसरा जो मैंने पहले कहा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, काफी कम हो रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स का रुझान जो है वो फॉरेन कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। इन तीनों वजह से हमारे अनएडेड कॉलेजेस के टीचर जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्सप्लोइटेड हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनकी एक्सप्लोइटेशन का तो सवाल बहुत आगे तक बढ़ चुका है, और ये बहुत ही आज टाइम की डिमांड है, जो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से सेनेट में इन टीचर्स के इन तरह के सारे मुद्दों को बड़ी बुलंद आवाज में उठाने की कोशिश करूंगा। राइट अप चीफ मिनिस्टर लेवल पे है, एजुकेशन मिनिस्टर लेवल पे है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के लेवल पे है, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे है, उस पर भी उठाने की कोशिश करूंगा कि किसी तरह से इनका एक, ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ, ये तो था बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स की, उनकी प्रमोशन की प्रॉब्लम, उनको प्रमोशन नहीं होती, उनके इंक्रीमेंट्स की प्रॉब्लम है, जो एनुअल इंक्रीमेंट लगती हैं वो इंक्रीमेंट्स नहीं लग रही हैं। अगर पीएचडी कर ली है टीचर्स ने, पीएचडी की अलग इंक्रीमेंट होती है, वो नहीं लग रही है। तो टीचर्स बेचारे इन सारे इश्यूज को लेकर दर दर भटक रहे हैं, और सोल्यूशन हम यूनिवर्सिटीज में आवाज उठाने के बावजूद भी कुछ हमें अभी समझ नहीं आ पा रहा है। इसकी आवाज उठाने की जरूरत है, एक मूवमेंट इस्टेब्लिश करने की जरूरत है टीचर्स मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं PCCTU जो पंजाब एंड चंडीगढ़ कॉलेज टीचर एसोसिएशन है, और IFACTO है, ऑल इंडिया एक फेडरेशन है हमारे टीचर्स की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, इनसे भी टाइम टू टाइम अपील करता हूँ, और आज भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, कि हम सब मिलकर एडेड अनएडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस टीचर्स के लिए गवर्नमेंट के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर बनाएं, ताकि हम अपने टीचर्स के राइट्स को, टीचर्स के वेलफेयर की बात अपने अपने माध्यम से कलेक्टिव ढंग से यूनिवर्सिटीज के प्लेटफॉर्म पे, सरकार के प्लेटफॉर्म से जरूर कर सकें,
और स्पेशल तौर पे मैं पंजाब गवर्नमेंट को ये आह्वान करता हूँ कि जो टाइमली वो नारा देते रही हैं कि एजुकेशन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी, हमने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, उन स्कूल और कॉलेजेस खोलने का क्या फायदा जब वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब वहां पर टीचर्स नहीं है, तो जब वहां पढ़ाना नहीं है, फिर दीवारों से ऊपर, वो भी कच्ची जमीन के ऊपर बैठ के थोड़ी बच्चे आ जाएंगे। ये पोलिटिसाइजेशन है जो एजुकेशन का, मैं चाहता हूँ ये सरकार रोके और रियल सेंस में अगर हम एजुकेशन दें तो ब्रेन ड्रेन, जो हमारे अच्छे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बच्चे भी बाहर जाने की तरफ रुझान है, हम अपने देश के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने सिटीज के लिए, अपनी सोसाइटीज में, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें, उनको रोक भी पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जबकि पंजाब सरकार के लिए वो बड़ी लीस्ट प्रायोरिटी आज हुआ हुआ है। मैं सेनेट के माध्यम से जरूर टाइम टू टाइम ये आश्वासन देता हूं कि ये आवाज उठाता रहूंगा, और अगर मेरे साथ ये पीसीसीटीयू, आईफैक्टम सारे मिलके काम करते रहेंगे तो मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ इसका जो रिजल्ट है जरूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया और जो पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं उनके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।